डियर स्टूडेंट्स टूडे वी आर गोइंग टू स्टडी अ सब्जेक्ट वी कॉल इट अ साइंस साइंस जैसे हम लोग हिंदी में विज्ञान भी कहते हैं यदि हम क्लास नाइन्थ में यदि देखें तो क्लास नाइन्थ में साइंस को हम लोग थ्री स्ट्रीम्स या थ्री सब सब्जेक्ट्स में हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं पहला हो सकता है केमिस्ट्री सेकेंड इज अ फिजिक्स थर्ड वी कॉल इट अ बायोलॉजी केमिस्ट्री जिसे हिंदी में रसायन शास्त्र भी कहते हैं केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल्स के बारे में स्टडी करते हैं हमारे चारों तरफ जो भी हम लोग देखते हैं उनके केमिकल नेचर उनके केमिकल कंपोनेट्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं द सेकेंड वन इज अ फिजिक्स फिजिक्स हमारे चारों तरफ जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है या लिविंग कंपोनेंट्स है उनके फिजिकल नेचर के बारे में या फिजिकल फोर्स के बारे में जिस सब्जेक्ट में स्टडी की जाती है उसे हम लोग फिजिक्स कह सकते हैं नाउ द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इज वी कॉल इट अ बायोलॉजी बायोलॉजी ये जो सब्जेक्ट या जो टर्म है इसको जब आप बाइफर्गेट करते हैं इसे जब हम लोग तोड़ते हैं तो हमें हम इसे टू पार्ट में तोड़ सकते हैं पहला हो गया टर्म बायो एंड सेकेंड इज अ लॉजी बायो का मतलब होता है लिविंग बींग हमारे चारों तरफ यदि हम लोग देखें, तो हमारे चारों तरफ हमें दो प्रकार के सब्सटेंसेस या टू टाइप्स ऑफ थिंग्स हमें देखने के लिए मिलेगी उनमें से कुछ नॉन लिविंग है उनमें जान नहीं होती है फॉर एग्जाम्पल आई एम होल्डिंग दिस पैन सो दिस पैन इज अ नॉन लिविंग आई एम होल्ड आई एम हैविंग दिस बॉटल सो दिस बॉटल इज अ नॉन लिविंग पर वहीं पर दूसरे तरफ यदि हम लोग समझे या देखें तो हमारे चारों तरफ लिविंग बींग्स भी हमें देखने के लिए मिलेंगे फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स आर लिविंग animals are living we human are living being so ultimately the study of all living being is called a biology now the term logic stands for a knowledge so what we can say what is a biology biology is a branch of science in which we study living being और वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर फंक्शन मैकेनिज्म ऑफ ऑल लिविंग बींग इज कॉल्ड बायोलॉजी क्लियर अब बायोलॉजी की यदि हम लोग बात करते हैं तो क्लास नाइन्थ में बायोलॉजी सेक्शन का जो फर्स्ट चैप्टर है और वो चैप्टर से ही आज हम लोग इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे तो आइए अब हम लोग उसी लेक्चर या उसी चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं द चैप्टर ऑफ बायोलॉजी इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ फंडामेंटल बेसिक फंडा मतलब फंडामेंटल का मतलब होता है बिल्कुल बेसिक बेस जिस पर सब कुछ टिका हुआ है या जो बेस है सो व्हाट इज अ बेस ऑफ लाइफ व्हाट इज अ फंडामेंटल ऑफ लाइफ तो जब हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो टेक्निकली और साइंटिफिकली वी कॉल दैट सेल इज अ बेसिक फंडामेंटल ऑफ लाइफ तो हम लोग सेल को समझने की कोशिश करते हैं सेल को समझने के पहले हम लोग इस टर्म को समझने की कोशिश करते हैं कि वाई सेल इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एग्जाम्पल के तौर पर सपोज मेरे पास में ये इरेजर या ये डस्टर है दिस डस्टर इज़ मेडअप ऑफ द वुड और प्लास्टिक ओके यदि मैं इस प्लास्टिक को किसी मशीन में डालकर इसका यदि मैं पाउडर करने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पास में जो सबसे स्मॉलेस्ट पाउडर का पार्टिकल रहेगा उस पार्टिकल जो पाउडर का जो पार्टिकल रहेगा उस पार्टिकल का नेचर भी प्लास्टिक जैसा ही होगा तो हम कह सकते हैं दो दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल रिप्रेजेंट दिस होल डस्टर और इरेजर ठीक उसी तरीके से यदि हम अपने बॉडी के बारे में बात करें तो यदि मैं अपने बॉडी के बारे में बात करूं तो दिस इज माय आई आईब्रोज नोज फेस पाम्स हैंड बॉडी और वहीं पर यदि मैं ये जानने की कोशिश करूँगा कि ये जो मेरा जो पाम या जो मेरा हाथ है ये किससे मिलकर बना है तो यहाँ पर जब हम लोग इसके स्ट्रक्चर को माइक्रो, माइक्रोस्कोप में समझने की कोशिश करेंगे माइक्रोस्कोप में से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये भी छोटे छोटे सेल या छोटे छोटे स्ट्रक्चर से मिलकर बने हुए हैं तो वो जो बेसिक स्ट्रक्चर है जिससे मेरी पाम या मेरे हैंड की मसल बनी हुई है वो बेसिक स्ट्रक्चर जिससे मेरी आई बनी हुई है वो बेसिक स्ट्रक्चर जिससे मेरी बोन्स बनी हुई है वो बेसिक स्ट्रक्चर जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म बना हुआ होता है उस सबसे माइन्यूट एंड बेसिक स्ट्रक्चर को हम लोग सेल कहते हैं यदि हम दूसरी भाषा में बात करें या हम लोग इसको और तरीके से समझने की कोशिश करें तो जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी होती है वो बॉडी छोटे, छोटे 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 बहुत सारी न्यूमरस मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी हुई होती है इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसीलिए हम लोग ये भी इसीलिए हम लोग सेल को इस तरीके से इस तरीके से भी हम लोग डिफाइन करते हैं कि द सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सो हाउ वी कैन डिफाइन द सेल वी कैन डिफाइन द सेल दैट द सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ठीक है अब यहां पे सेल की जो डेफिनेशन है वो है कि सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ अब यहां पे दो टर्म आए द फर्स्ट इज अ स्ट्रक्चरल एंड सेकंड वन इज अ फंक्शनल स्ट्रक्चरल का मतलब होता है स्ट्रक्चर जिससे चीजें बनी हुई हो ओके okay? उसे हम लोग कहेंगे स्ट्रक्चरल फॉर एग्जाम्पल यदि हम लोग कहे तो वन सेकेंड वी आर टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ द सेम दिस इरेजर और द डस्टर एंड दिस इज मेड ऑफ द प्लास्टिक ये, ये किससे मिलकर बना हुआ है यह प्लास्टिक से मिलकर बना हुआ है तो प्लास्टिक इज अ स्ट्रक्चर विच कंसिस्ट दिस इरेजर और वी कैन से दैट दिस इरेजर इज कंसिस्टेड ऑफ व्हाट प्लास्टिक मॉलिक्यूल और प्लास्टिक सब्सटेंस। तो इसे प्लास्टिक इस इरेजर का स्ट्रक्चरल यूनिट है प्लास्टिक से यह डस्टर बना हुआ है तो इसे हम लोग कहेंगे स्ट्रक्चरल अब फंक्शनल की यदि हम लोग बात करें तो फंक्शन का मतलब होता है वर्क ठीक है एग्जाम्पल के तौर पर सेल के कंटेक्स में हम लोग समझे तो सेल की डेफिनेशन होती है द सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हो आप मुझे देख भी रहे हो देख और सुन दोनों रहे हो यदि मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि मैं बोल रहा हूं ऐसा नहीं है जो मेरे माउथ या ओरल कैविटी से जो आवाज निकल रही है दैट इज अ कलेक्टिव एफर्ट मेड बाय दो सेल्स प्रेजेंट ओवर हियर मेरे गले में जो सेल्स है वो सेल्स आपस में कुछ इस तरीके का वर्क कर रही है जिसके कारण से मेरे गले से आवाज़ निकल रही है उसी तरीके से यदि आप सुन पा रहे हैं तो सुनने के लिए जरूर कानों का इस्तेमाल हो रहा है लेकिन वहाँ पर कान के अंदर ईयर्स के अंदर जो सेल्स है वो सेल्स इन साउंड वेव्स को ग्रास्प कर रही है उसे रिसीव कर रही है और रिसीव कर कर वो ब्रेन तक पहुंचा रही है तभी आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हो तो कहने के लिए आई एम होल बॉडी जो भी कर रहा हूं मैं कर कर रहा रहा या जो भी इंडिविजुअल मैं कर रहा, हूं, मैं कर रहा हूं। देखने में तो यही लगता है लेकिन यदि हम इसके पीछे की के, के डेप्थ में भी जाए तो आपको पता चलेगा कि जो मैं कर रहा हूं कर रहा हूं एक्चुअली ये मैं नहीं कर रहा हूं ऑल ग्रुप ऑफ सेल्स आर डूइंग दिस वर्क यदि मैं ये हाथ हिला रहा हूं तो कहने के लिए तो मैं ये हाथ हिला रहा हूं लेकिन यहां पर एक्चुअली क्या हो रहा है यहां पे जो सेल्स है वो सेल्स सारी आपस में मिलकर इस हाथ को इस तरीके से अपलिफ्ट कर रही है यदि मैं हाथ को नीचे कर रहा हूं तो यहां पर सारी सेल्स मिलकर इस हाथ को नीचे कर रही है तो जो भी वर्क कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है दैट वर्क इज एंड रिजल्ट ऑफ द क्यूमुलेटिव एफर्ट और क्यूमुलेटिव वर्क परफॉर्म बाय द इंडिविजुअल सेल और द ग्रुप ऑफ सेल्स हम कह सकते हैं कि, कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया गया कोई भी वर्क कोई भी फंक्शन इज अ रिजल्ट ऑफ वर्क परफॉर्म बाय सेल और द ग्रुप ऑफ सेल इसीलिए हम लोग कहते हैं सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ओके तो अब हम लोग देखते हैं कि ये सेल की डिस्कवरी किसने की सेल के बारे में पता कैसे चला सेल मैंने आपको बताया कि बहुत छोटी होती जब बहुत छोटी होती तो उसे देखा कैसे गया और जब बहुत छोटी होती है तो वो सेल काम कैसे करती है सेल किन किन चीजों से मिलकर बनी हुई है वो जो जिन चीजों से मिलकर बनी हुई है उनके नाम क्या है वो उनका स्ट्रक्चर क्या है उनका फंक्शन क्या है तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नाउ वी स्टडी द डिस्कवरी ऑफ सेल एंड द स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट ऑफ द सेल सो स्टूडेंट नाउ वी स्टडी द सेल सेल ये जो सेल जो टर्म है ये लैटिन लैंग्वेज का टर्म है और लैटिन लैंग्वेज में एक टर्म या एक वर्ड होता है जिसका मतलब जिसे हम लोग कहते हैं सेला सेला इस सेला का लैटिन में मतलब होता है स्मॉल रूम्स, ओके तो सेल की डिस्क जो सेल जो ट, वर्ड है या टर्म है ये एक लेटिन भाषा या लेटिन लैंग्वेज का एक टर्म या वर्ड है जिसे हम लोग कहते हैं सेला और इसका शाब्दिक या लिटरल मीनिंग होता है स्मॉल रूम्स तो जो सेल की जो डिस्कवरी है ऐसा माना जाता है द डिस्कवरी ऑफ सेल टुक प्लेस इन 1665 एडी 1665 में रॉबर्ट हुक रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी इन्होंने सेल की डिस्कवरी कैसे की इसके बारे में अलग अलग जगह पे अलग अलग वर्णन है लेकिन ये माना जाता है कि जो रॉबर्ट हुक थे रॉबर्ट हुक को ग्लासेस जैसे हम लोग आ, ग्लासेस या काच या जैसे हम लोग साधारण तौर पर लेंसेस कहते हैं उन लेंसेस का बड़ा शौक था वो लेंसेस से बहुत अलग अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट किया करते थे तो ये माना जाता है कि एक बार जब वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज लेंस के अलग अलग कॉम्बिनेशन को आपस में मिक्स कर रहे थे बना रहे थे तो उन्होंने देखा कि जिस मेज या जिस डेस्क पर वो इस लेंसेस के साथ में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वो जो बेंच मेज या जो डेस्क थी वो कॉर्क से बनी हुई थी कॉर्क हम सभी जानते हैं कि पेड़ की जो बाहरी जो सतह होती है आउटर मोस्ट जो बार्क के बाद की जो लकड़ी होती है उसको कॉर्क कहा जाता है तो वो कॉर्क को जब उन्होंने उन लेंस के कॉम्बिनेशन के साथ में देखा या हम लेंस की बात कर रहे हैं तो हम उसे कह सकते हैं कि एक साधारण तौर पर उन्होंने एक माइक्रोस्कोप जैसा एक सरल माइक्रोस्कोप की तरह उन्होंने बनाया उस सम्पल माइक्रोस्कोप से जब उन्होंने उन कॉर्क के लकड़ी को देखा तो वो बिल्कुल हतप्रत रह गए बिल्कुल अचंभित रह गए क्यों क्योंकि उन्होंने देखा कि वो जो कॉर्क जिसे नेकेड आई साधारण आई से देखने पर कुछ नहीं दिख रहा था पर उसी ग्लास के ग्लासेस या लेंसेज के कॉम्बिनेशन से देखने पर उन उस कॉर्क में भी बहुत छोटे 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 कुछ स्ट्रक्चर उन्हें दिख रहे थे और जो स्ट्रक्चर जो थे वो रूम्स लाइक थे इस तरीके से माना जाता है कि वो जो स्ट्रक्चर थे कुछ इस तरीके से थे हनी कॉम लाइक हम सभी ने मधुमक्खी के छत्तों के बनने का पैटर्न देखा है हनी कॉम लाइक इस तरीके से उन्हें उस कॉर्क में स्ट्रक्चर दिखा तो कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर उस समय की जो मोनेस्ट्री खासकर जो चर्च होते थे जहां पर ब्रदर्स या फादर लोगों की ट्रेनिंग होती थी मोंग ज्वाइन करते थे उन्हें वहां पर मोनेस्ट्री में छोटे छोटे सेल्स या छोटे छोटे, -छोटे क्यूबिकल रूम्स में ठहराया जाता था तो उन मोनेस्टी के जो क्यूबिकल रूम्स थे उन क्यूबिकल रूम्स को सेला कहा जाता था तो उसी को रिजेंबल करते हुए रॉबर्ट हुक ने इन छोटे-छोटे स्ट्रक्चर को सेल नाम दिया। इस तरीके से सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की और इन्होंने यह डिस्कवरी 1665 एडी में की धीरे धीरे ये बात उन्होंने अपने दूसरे जो फ्रेंड्स या जो साइंटिफिक कम्युनिटी के लोग थे वहाँ पर ये बात उन्होंने पहुंचाना चालू किया जब वो बात वहाँ तक पहुँचती रही तो वहाँ पर भी रिसर्च धीरे 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 आगे बढ़ती चली गई आगे बढ़ते बढ़ते नए माइक्रोस्कोप बनाए गए ज़्यादा पावरफुल माइक्रोस्कोप बनाए गए और इस तरीके से वहां से माइक्रोस्कोप बनने के बाद में बायोलॉजी में या बायोलॉजिकल साइंस में एक नया आयाम या एक नई ऊंचाई छूना चालू कर दिया क्यों क्योंकि इस घटना के पहले तक लिविंग बीइंग को जितने भी जीवित या जितने भी लिविंग बीइंग थे उन्हें ग्रॉस लेवल पर ही देखा जाता था कहने का मतलब ये है कि यदि आई एम लिविंग बीइंग तो मैं पूरा ऐसा ही हूं मुझे पूरा एक ही माना जाएगा पर माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी के बाद में जब सेल की डिस्कवरी हुई तब रिसर्च और आगे बढ़ती चली गई और बहुत से इस दौरान बहुत से साइंटिस्ट लोगों ने सेल के ऊपर रिसर्च किया और सेल के बारे में तरह तरह की इंफॉर्मेशन साइंटिफिक कम्युनिटी को प्रोवाइड करना चालू किया तो इसी सीरीज में दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम थॉडर था, शॉमेन एंड जैकब स्लीडन ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1839 एडी में सेल के ऊपर बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च की और एक्सटेंसिव रिसर्च करने के बाद में उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की उस थ्योरी को हम लोग सेल थ्योरी कहते हैं क्लियर यहां पर यदि आप देखें तो सेल की डिस्कवरी कब हुई थी 1665 में और सेल थ्योरी शॉमेन एंड सेल्डन ने कब प्रपोज की 1839 में यानी हम लोग यदि मोटा मोटी कहे या अप्रॉक्सिटली हम लोग बात करें तो करीब करीब 200 हंड्रेड ईयर लेटर ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द सेल तो उन 200 सालों के बाद में सेल थ्योरी प्रपोज की गई क्योंकि वो जो 200 साल का जो बीच का जो गैप था वहां पर बहुत सारे साइंटिफिक कम्युनिटीज थी उन साइंटिफिक कम्युनिटीज प्लस चर्च की कम्युनिटीज थी वहां पर लिविंग बीइंग लाइफ के एवोल्यूशन को लेकर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मतभेद थे बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन थे वहां पर इस थ्योरी का एक्सेप्टेंस इसके पहले कम था पर धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग यानी साइंटिफिक कम्युनिटी ने विथ प्रूफ ये चीजें वहां पर रखना चालू की तो उसके बाद से लोगों ने या सोसाइटी ने उन थ्योरीज या उन कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करना चालू किया तो ठीक इसी तरीके से 1839 एडी में शॉमेन एंड सिल्डन ने सेल थ्योरी प्रपोज की अब ये सेल थ्योरी क्या है सेल थ्योरी के टू पॉस्टुलेट्स है यानी टू आउटकम्स है एंड दीज आउटकम्स आर द नंबर वन नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन गिवन इन अ बुक इज हु डिस्कवर्ड सेल एंड हाउ कि सेल किसने डिस्कवर की और कैसे तो हम सभी जानते हैं अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कई बार हम लोगों ने ये चीज पढ़ी है रॉबर्ट हुक अ नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर सेल इन 1665 एडी रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल कैसे डिस्कवर की नाउ ही डिस्कवर्ड सेल बाय सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप उन्होंने खुद के बनाए हुए माइक्रो माइक्रोस्कोप से डिस्कवर की और कहा ऑब्जर्व किया उन्होंने ही ऑब्जर्व हनी लाइक स्ट्रक्चर इन स्लाइस ऑफ कॉर्क हम, हम लोगों ने पढ़ा भी है कि जो कॉर्क इट इज अ काइंड ऑफ द वुड जो लकड़ी है लकड़ी का एक टाइप है कॉर्क बार्क उसके स्लाइस को जब उन्होंने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो उन्हें हनी लाइक स्ट्रक्चर दिखे और उन्हीं हनी लाइक स्ट्रक्चर को उन्होंने सेल कहा सेल क्यों कहा क्यों क्योंकि क्यों सेल इज अ लैटिन टर्म और लैटिन टर्म में एक वर्ड है जिसे कहते है सेला सेला का मतलब होता है स्मॉल रूम सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन 1665 बाय सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप एंड ही ऑब्जर्व हनी लाइक स्ट्रक्चर इन स्लाइस ऑफ कॉर्क नाउ वी मूव फॉर द सेकेंड क्वेश्चन

जिंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं और ये फंक्शन वो अपने ऑर्गेनल्स के हेल्प से परफॉर्म करती है इसीलिए यदि हम लोग कहें कि लिविंग सेल इज़ कंसिस्टिंग ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स दीज ऑर्गेनल्स हैव डेफिनेट स्ट्रक्चर एंड डेफिनेट फंक्शन और स्पेसिफिक फंक्शन लाइक ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरेज पैकेजिंग एंड रिलीज ऑफ वेस्ट मटीरियल दैट्स वाई सेल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सो दिस वुड बी द एंसर दैट की सेल्स अपने सेल ऑर्गेनल्स सेल में सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो सेल ऑर्गेनल्स का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और फंक्शन होता है और उन्हीं स्ट्रक्चरल फंक्शन के कारण सेल स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर पाती है इसीलिए हम लोग सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं नाउ वी मूव फर्दर फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन